चार साल की उम्र मेरा चिराग न शहर के सब तो वधिया प्राइवेट स्कूल विच दाखिल करवा आई। प्रिंसिपल मैडम मिसिज बत्ता नूं भी लिंग वाला भेद दसदी हुई बोली, देखो मैडम जी, मैं चाहनी हाँ कि यह भी बाकी बच्चों वांगू पढ़े लिखे अफसर बने। हुण पैरे घुंगरू बन के दर दर मंगण वाला जमाना कित्थे रह गया। तुसीं लोक भी हुण एक एक जां दो दो बच्चे जमदे हो, उत्तों महंगाई ने अत चक्की हुई है। लोगों नूं तां तीन वक्त की रोटी दे भी लाले पै रहिंदे ने, बधाइयां च की देण। नाले हुण साथों भी जबरदस्ती नहीं कर हुंदी। बिल्कुल मीरा, मैं तेरी गल नाल सहमत हाँ। तुसी बेफिक्र रहो, बच्चा दिमागी तौर ते दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, ते पढ़ना लिखना इसका भी अधिकार है। मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि एक चंगी तालीम हासिल करके बेहतर जिंदगी जो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। एक गल होर कि मैं इसनों दुनियादारी तो बचाने लिए स्कूल घट ही आया करांगी, भावें मैं ही इसका माई बाप हाँ। खैर, तुसी समझदार हो, मेरा मतलब समझ गए होवोगे। जे कोई गल करनी होवे तां आ मेरा फोन नंबर है। पर्ची ते लिखिया नंबर फड़ाउंदी मीरा बोली। चिराग भी चाई चाई स्कूल जांदा, चिट्टी शर्ट, नीली निकर, बेल्ट ते टाई ला के किसी चंगे घराने दा जवाक लगदा। कौड़ा माल हर रोज उसनू साइकल ते बिठा के स्कूल छड़ के ते लेके आउंदा। स्कूल विच लोकां पादा कौड़ा माल ही उसदा पापा सी। चिराग पढ़न लिखन नू काफी तेज निकलिया। उसदे स्कूलों मिलदी रिपोर्ट नाल मीरा दे सुपने होर भी रंगले हुंदे जांदे। रीझां चावां नाल भरी भकुन्नी मीरा उसदी हर लोड़ मूहों निकलण तों पहलां ही भुगा छड़दी। जेठ हाड़ दे लंबे लंबे दिन मुक्कण विच ही ना आउंदे। चिराग नूं स्कूलों गर्मी दीआं छुट्टियां होण विच अजे कुछ दिन ही बाकी सन। बिजली दे लंबे कट्टां ने लोकां दा जीवना दुब्बर कर रख्या सी। एक दिन चिराग नूं स्कूल तोड़ के काम कार तो वेली हो के लाले भी मीरा ते जुगनू कोल दलान विच मंजा डा के हवा ते ठंडे बुले उड़ीकण बह गई। पत्ता तक नहीं फरकदा, लोहड़ी दा हुमस होया पिया, लगदा है आउण वाला आथण सवेर किसे पास्यों बदल चढ़ के। मीरा असमान वल तकदी बोली। तिखड़ दुपहरा पूरे वट कढ रहा सी, मक्खियां दी भिण भिण अड जांत पा रही सी। तामी अलसाए अंगा नूं टेक मिलदिया झट ही नींद आ गई। लाली ते मीरा अजे सुतियां ही सन कि बाहरला लोहे दा गेट किसे ने जोर जोर नाल खड़काया। लाली ने भज के दरवाजा खोलिया ते कसमैले जिहे कपड़िया विच कहरे जे बदन दी बजुर्ग माता हथ विच झोला फड़ी खड़ी सी। अखां नूं धुप ते हथां दी छां करदी इउं जोर ला के पछाणन दी कोशिश कर रही सी जिवें उसदे नैणां दी जोत ना मात्र ही होवे। चुट्टी नाल मत्थे तों मुड़का पूंजदी जीब नाल प्यासे बुल गिले करदी हुई बोली, पुत केड़ी है? हां माई, किन्नू मिलना तैं? लाली ने पुछया। मेरी अमीरा इत्थे रहिंदी है धीए। अमीरा? ना, इत्थे तां कोई अमीरा नहीं रहिंदी माता, लाली ने उत्तर दिता। अच्छा, पानी दे घुट पिया दे पुत, कहिंदी माई थाई बह गई। इन्ने नूं अमीरा कन्नी पैंदिया सुन के मीरा चप्पला घड़ीसदी दरवाजे कोल भज्जी गई। हाय बे मर जा अम्मी, आ सी मैं तेरी अमीरा, इत्थे मीरा सदबे ने, तू इत्थे किवें? कहिंदिया ही मीरा पुब मार के अम्मी सलमा नूं चिंबड़ गई। जद मां नूं छड्ड के आई सी उदों तां ओह जवान सी, अज मुद्दत बाद मुठ्ठी को हड्डियां नाल कुब्बी मां कसमैले कपड़े चेहरे ते झुरड़ियां अखां विच बेबसी ते पैरें गंढी हुई चप्पल सी। देख के मीरा दे साह सत ही निकल गए। इन्नी देर पिछों अम्मी, इन्नी दूर पिछे अम्मी इकली आ जाएगी, ये तो मीरा ने
सुपने विच भी नहीं सोचिया सी। गर्मी नाल पट्ठी वांगू तपदे अम्मी दे तक तक करदे पिंजर नूं मेरा चिंबड़ चिंबड़ जा रही सी। दोनों पासे मैं छम छम बरस रहे सन। सलमा कदे बेजान जिहियां बाहां दा सिकंजा कसदे मीरा नूं घुट के जफ्फी विच लैण दी कोशिश कर रही सी अते कदे चुम रही सी। लाली कोल खड़ी सब कुछ देख सुन रही सी ते तारियां दे देश तुर गई। आप दी मां नूं याद करती अतीत विच डुब गई। आ अम्मी अंदर आके बैठ, ये तेरी ती अमीरां दा घर है। किसने दिता इथों दा पता तैनूं? इन्नी गर्मी विच इकल्ली तू इत्थे किवें पहुंच गई? जां तेरे नाल कोई आया? तरह तरह दे सवालां दे पछाड़ करदी मीरा अम्मी दे कोल दलान च डहे मंजे ते बैठ गई। बस उपर वाले ने मेल कराता बच्चा, नहीं तो कदे कदे लगता सी कि तड़फदी ही मर जाऊं तेरे अब्बा वांग। की होया मेरे अब्बा नूं? कित्थे है मेरा अब्बा? घबरा के मीरा बोली, अल्लाह नूं प्यारा हो गया तेरा अब्बा। दशहरे वाले दिन पूरे 5 साल हो जाने ने। उमरों लम्मा होका पर दी सलमा बोली, हाय रब्बा आ तू की कीता? अम्मी नूं चिंबड़ के पुब मारदी मीरा बोली, अब्बा तू तो कहिंदा सी कि तेरे तो विछड़ के तेरी मां मर जावेगी, शायद तू आप दी ही गल कर रहा सी। हाय मेरे अब्बा तू सच्ची साडे नाल रुस गया? माफ कर दे, मैं तेरी एक ना सुनी सी, तू बथेरे हाथ बन बन के रुकण दी अरजोई कीती सी। या अल्लाह हुण दे विछड़िया नूं कद मिलावेंगा? मिलावेंगा भी जा नहीं? हाय रब्बा। बस कर तीए, मोए हुए बंदे कुछ नहीं सुनते। मैं बथेरियां हाका मारियां, रोई पिटी कल्पी, बस आ अखां अन्नियां करन तो सिवा कुछ भी पल्ले नहीं पिया। जग जींदियां दे ही मेले ने पुत, तरवास देन दी सलमा मीरा नूं गल ला के चुप करवांदी रही। मीरा ने मन दा गुबार कढ दी पूरी हफ टुट गई सी। लाली जग भर के बर्फ दा डला सिट के सकंजवी बना लियाई, कोल बैठ के दोनों मावां धीआं नूं पियाई। सलमा तां जाणो मुद्दतां तों तरहाई सी, गलास खाली करके उसने साह लिया। मेरी भैण ते वीरे किवें ने अम्मे? सुरत सिर हुंदी मीरा बोली, सब कुग वसदे ने पुत, व्याहे वरे गए बच्चियां वाले ने। बरकत ते बिलाल दे तीन तीन ते शमीरो दे दो ने। बानो किस्मत मारी दे तां कुड़ियां दा थब्बा ही जम पिया। लिखियां दे वारे वारे जाइए बच्चिया, डूंगा होका भरती सलमा बोली, लफेर क्यों आमी? धीआं ते मापिया ते मर मर जांदियां ने, उसनूं कहीं दिल ना छड्डे। हां सच, तैनूं नौ पुत किवें रखदे ने? बस पुत, वाहवा ही आ, गरजां दे रिश्ते ने सारे। तेरे अब्बा दे जाण तों बाद तां बहुत इकल्ली हो गई आ। चंद्रियां कंधां भी दुख सुख सुन के तिजदियां ने, कादी चूणियां, हुण तां दिन कटिया। सलमा दे बोल अल्ले जख्मां वांग रिसदे लग रहे सन। मां दा दर्द सुन के मीरा भी उदास हो गई सी ते ओ उसनूं बहुता नहीं उचेड़ना चाहुंदी सी। है मां, मैनूं भी कदे कोई याद करता जां नहीं? ज़हन विच सालां बत्ती कैद कीता ख्याल वो अज मां कोलों पुछ ही बैठी। बानो बथेरा कल्पदी है, जद भी पिंड आउंदी आ बाकी मुंडिया नूं तां आप दियां कबीलदारियां ही दपोची बैठियां ने। चल
ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਣ। ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹੀ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਨਾਮੋ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਨੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖਬਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹੋਵੇਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾਂ ਬੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦਿਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਡੋਬ ਜਿਹਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਵਾਕੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਬੁੜਾ ਮਹੰਤ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਖੇ ਮਾਈ, ਮੈਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸਰੇ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਸਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਾਉਂਦੀ ਵੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਸੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਮੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਅੱਡਿਓ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦਾ ਏ ਪੁੱਤ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤੂੰ, ਮੀਰਾ ਬੋਲੀ। ਨੀ ਕਾਹਦੀ ਸੌਖੀ, ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਂਤਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਲਾ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀਪੁਰ ਛੰਨਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਮੀਰਾ ਬੋਲੀ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਟੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਖੇ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਤੜਕੇ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਓਪਰੇ ਥਾਂ ਉਂਗ ਨਾ ਆਈ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਪੁੱਛਦੀ ਪਛਾਉਂਦੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਹੀ ਗਈ। ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਕੁੜੀ ਜਿਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਅਰਕੀ ਸੀ, ਸਲਮਾ ਬੋਲੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਰੇਖਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਮੀ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਭੂਰੇ ਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਉੱਚੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਸਲਮਾ ਬੋਲੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੇਖਾ ਜਾਨ, ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਲਿਆ ਏ, ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੀ ਮੀਰਾ ਬੋਲੀ। ਲਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਪੁੱਤ, ਨਾਨੀ ਆ ਤੇਰੀ, ਦੇਖ ਅੰਮੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਚਿਰਾਗ ਆ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀ ਮੀਰਾ ਬੋਲੀ। ਸਲਮਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਸਲਮਾ ਕੌੜੇ ਮਨ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਰਦ ਏ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ? ਅੰਮੀ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਜੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ।
दुसहरे वाले दिन 5 साल दा हो जू, कह के सलमा चुप जा कर गई। हां अम्मी, पूरे 5 साल दा हो जाना। दुसहरे वाले दिन ता तेरे अब्बा गए नू भी 5 साल हो जाने ने, किते ओही ता नहीं आ गया तेरे कोल? पुराने वहमां भरमां च फसी सलमा बोली, हो सकदा है अम्मी, चाहे अब्बा आया होवे चाहे ना, पर दशहरे वाले दिन किसे दा जिंदगी चो तुर जाना ते हनेरा कर जाना अते किसे दा आके चानन चानन कर देना मेरे लिए खास हो निपड़िया। चिराग दे गलों टाई ते निकर तो बेल्ट लौंदी मीरा उसनू गोदी विच बिठा के प्यार कर दी, डाढ़े सुकून विच सी। सलमा भी सखने पान दे दर्द नू परचदा देख के सोखी सोखी महसूस कर रही सी। जीवन दे बहाने तू आपे दिना मेरे अल्लाह, हाथ जोड़ दी मुंह विच सलमा बोली। दोपहर दा खाना लाली ने दलान विच ही वरता दिता। रोटी बाद बिंद चट आराम करके सलमा ने घर मुड़न दी गल कही, अम्मी अज ता रह जा, इन्नी वाट चल के आई है, सवेरे तड़क्यों बसे बिठा दवांगी। मीरा ने हाड़ा पौंदिया किया, ना पुत, कल भी आई हां, पिछे फिकर हो जू, राह पैरी लग गया, हुण आउंदी जांदी रहू। चल जिवें तेरी मर्जी है कर ला, पर अम्मी की मैं घर आके एक बार तेरी ते अब्बा दी लाई फुलवाड़ी वेख सकदी हां? बहुत जी करता है, किहो जिहा हो गया मेरा परिवार, मेरा पिंड, मेरे पिंड दियां गलियां किन्ने निमोरे हो गए ने सब, कदे किसे ने मुड़न लई पुकारिया ही नहीं, कहिंदी मीरा दा गज पर आया। ना रो ना मेरा पुत, जी सदके आवे, मैं तेरी अम्मी जो बैठी हां, अजे ता तेरा आपदा घर आ, कमली ना होवे ता। सलमा मोड़ा पलोस के प्यार दिंदी बोली। कौड़ा मल साइकिल ते बिठा के सलमा नू बस अड्डे तो बस चढ़ा आया। मेरा सारा दिन अतीत च डुबी अब्बा नू रोंदी रही, मां दी बुकल दा निक सांभदी रही।